हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है ऑल द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी हम किस किस सोर्सेज से अपनी फूड में, अपने डाइट में ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं या सनलाइट के थ्रू ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि किस किस तरह से हम विटामिन डी को अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने विटामिन डी पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है और उसकी कमी से क्या क्या एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और इसके अलावा मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया था और उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, और उन्हीं क्वेश्चंस को, क्वेरीज को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ इतना सा रोल नहीं है विटामिन डी का। इतना वास्ट मेजर रोल है कि अगर आप उसे सुनेंगे तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। विटामिन डी ना सिर्फ बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमारी मसल्स में बहुत वीकनेस आ जाती है। खासतौर पे बहुत सारे लोगों ने इन दिनों देखा होगा कि थोड़ा सा काम करते हैं लोग और एकदम थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, फटीग बॉडी में फील होती है, वीकनेस फील होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, हमें दिखती नहीं है, लेकिन मेजर अगर आप प्रॉब्लम देखें तो विटामिन डी की कमी के कारण ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज या डायबिटीज़ तक की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। विटामिन डी जैसे ही हमारी बॉडी में कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम साथ ही साथ डिक्रीज होने लगता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। मेजर जैसे सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ, फ्लू, बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाना, ये एक बहुत ही मेजर सिम्टम है विटामिन डी की कमी का। और इसके अलावा डिप्रेशन जैसी चीज़, एकदम बहुत जल्दी आपका मूड स्विंग हो गया। इसके अलावा इस तरह की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये विटामिन डी की कमी के कारण होती है। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में मेंटेन रहना, सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस के कारण हम अपने विटामिन डी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर टोटल देखें तो हमें पर डे विटामिन डी लगभग 1000 IU चाहिए होता है। IU स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनिट। 1000 IU, जिसमें से 600 IU हमें फूड के थ्रू लेना होता है, और अगर बाकी जो बचा 400 अप्रोक्सीमेटली, तो वो हम सनलाइट से ले सकते हैं। और ये जो कम्बिनेशन है, ये आपका एक दिन का होना चाहिए। तो उस हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड के अंदर कौन कौन से फूड हमें डेली लेने चाहिए ताकि हमारे बॉडी में विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहे। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड की। नॉन वेजिटेरियन जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और एक बहुत ही ख़ास बात है कि जो विटामिन डी का सोर्सेज होता है, जो हम फूड के थ्रू लेते हैं, वो हर सोर्स जो है सनलाइट से रिलेटेड है। क्योंकि आप देखेंगे कि विटामिन डी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत कम पाया जाता है। ये उन्हीं चीज़ों में पाया जाता है जिन चीज़ों पे सनलाइट मिलती है, और ये एनिमल सोर्सेज में ही ज़्यादातर मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें कि फिश एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, उसमें खास तौर पर फैटी फिश, उसमें सैल्मन फिश है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसमें भी अगर बात करें तो जो वाइल्डली कॉट, जो जंगली मछलियाँ होती है, उसके अंदर एवरी 100 ग्राम ऑफ सैल्मन फिश की अगर बात करें तो उसमें लगभग 1000 IU ऑफ विटामिन डी होता है, अगर वो वाइल्डली कॉट फिश है। लेकिन अगर वो फार्म्ड फिश है तो भी उसमें 250 IU तक का, 250 IU तक का विटामिन डी होता है। इसके अलावा अगर बात करें, कॉड लीवर ऑयल बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन डी का। उसके अंदर एवरी 5 ml, जस्ट 5 ml ऑफ कॉड लीवर ऑयल में आपको 450 IU तक का विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा एग योक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हर एक एग में लगभग 30 IU ऑफ विटामिन डी होता है, लेकिन अगर वो एग आउटडोर रेस्ड है तो उसमें 3 to 4 times ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन में एक प्रॉब्लम आती है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें विटामिन डी को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए अपनी बॉडी में, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है उन्हें लेना। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी कम होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काउज मिल्क एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, गाय का दूध बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, और ये
इसमें भी अगेन यही डिपेंड करता है कि वो जो गाय होती है, देसी गाय होती है, उन पर कितनी सनलाइट पड़ रही है। जितना ज़्यादा वो आउटडोर रहेगी, सनलाइट के अंडर रहेगी, सनलाइट उन पर आएगी, तो उनके मिल्क में उतना ही ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। तो एवरी 250 ml ऑफ काउज मिल्क में आपको लगभग 130 IU तक विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा सोर्स है। तो अगर आप मॉर्निंग इवनिंग मिल्क लेते हैं 1 ग्लास या 1 कप, तो अराउंड आपको 300 से लेके 500 तक का जो है विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा मशरूम बहुत ही अच्छा सोर्स है। एवरी 100 ग्राम ऑफ मशरूम में आपको 450 IU तक का विटामिन डी मिल जाता है। तो ये बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है कि उन मशरूम्स पर सनलाइट पड़नी बहुत ज़रूरी है। तो जिन पे सनलाइट पड़ेगी, जो वाइट मशरूम्स होते हैं, वो बहुत ही एक्सेलेंट सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के। और लेकिन जो इंडोर होते हैं मशरूम, उन पर उनमें विटामिन डी नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे ग्रो होती हैं। और इसके अलावा जो होता है चीज़ है, चीज़ में भी थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है। लाइक 1 स्लाइस ऑफ चीज़ में लगभग 6 IU तक होता है। और जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बटर हो गया या कर्ड हो गया, इन सभी चीज़ों में विटामिन डी मिलता है। और टोफू है, टोफू भी बहुत ही अच्छा है, विटामिन डी का सोर्स अच्छा है। अगर आप दाल ले रहे हैं, तो दाल के अंदर अगर आप 1 टीस्पून ऑफ देसी घी डाल लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डाइट में और कितना लेना है, कब लेना है। और ये सारी चीज़ें हैं, ये अप्रोक्सीमेट होती है ये वैल्यूज़। आप बहुत ही डिफाइंड तरीके से नहीं जा सकते कि किस में कितना होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। जो सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स काफ़ी तरह के होते हैं। सप्लीमेंट्स हमें तभी लेनी चाहिए जब हमारी डाइट से, सनलाइट से हम पूरा नहीं कर पा रहे, या आप उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको विटामिन डी नहीं मिलता। तो उस केस में डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स पे जाना चाहिए। और सप्लीमेंट्स में के लिए आपको सबसे पहले जो है अपना विटामिन डी डायग्नोस करवा लेना चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए किसी भी डायग्नोस सेंटर से। तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आएगी, आप अपने फिजिशियन को दिखा के, अपने डॉक्टर्स को दिखा के, फिर अकॉर्डिंगली आप जो भी मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें आपकी डेली बेसिस पे भी आती है विटामिन डी की पिल्स, और वीकली सेशेट्स भी आते हैं। वो सेशेट्स में आपको लगभग 60,000 IU या 50,000 IU तक का आपको विटामिन डी होता है। तो ये जो सेशेट्स होते हैं, जो वीकली लेते हैं, ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनका विटामिन डी काफ़ी लो है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि उनका लेवल जो है 25 नैनोग्राम पर ml से ऊपर होना चाहिए। तो उस लेवल पे लाने के लिए उनको एक ज़्यादा डोज देनी पड़ती है, इसलिए हम जो है 50,000 IU तक का डोज देते हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी पॉइंट में मैं आती हूँ, वो है सनलाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनलाइट को हम अगेन रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। सनलाइट लेना बहुत ही नेसेसरी है। हम फूड से ले रहे हैं, हम सप्लीमेंट से ले रहे हैं, लेकिन सनलाइट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी वैसे हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 महीना 2 महीना नहीं लिया तो एकदम डेफिशिएंट हो जाओगे विटामिन डी का। लेकिन रेगुलरली अगर हम 3 to 4 days भी अगर हम सनलाइट लेते हैं वीकली, तो भी हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल जो है सस्टेन रहता है। अगर थोड़ा बहुत हमारे फूड में भी ऊपर नीचे हो जाता है लेवल, तो उसमें भी डरने की बात नहीं है। सनलाइट बहुत ही अच्छा सोर्स है। इवन सनलाइट से हम 10,000 IU तक का जो है अमाउंट ले सकते हैं अपनी बॉडी में। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब सनलाइट जो है, अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सनलाइट किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। बहुत लोगों का एक ये क्वेश्चन है कि सनलाइट हम ले रहे हैं रेगुलरली, हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में फिर भी एक्टिवनेस नहीं आ रही, अभी भी वीकनेस ही लग रही है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सनलाइट भी हम किस तरह से ले रहे हैं। सनलाइट जो है एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो जाता है कि उसको किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम एवरेज में बात करें, तो सनलाइट को अगर हम 10 से 20 मिनट अगर हम नून की लाइट लेते हैं, दोपहर की 12 बजे के आसपास की, अगर हम 10 से 20 मिनट ले लेते हैं ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंटेशन ऑफ पर्सन टू पर्सन, तो दैट इज़ सफिशेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी पर्सन।
तो ये चीज़ें ध्यान देने की है, लेकिन बातें इसमें बहुत है बताने की, सनलाइट में बहुत सारी बातें बताने की है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि सनलाइट को हमें कैसे लेना है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं सनलाइट के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि सनलाइट हमें कैसे लेनी चाहिए और किन किन लोगों को किस उम्र में, वेट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग किस समय पे लेनी चाहिए। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सुबह की सनलाइट सही रहती है कि दोपहर की या आफ्टरनून की, कौन सी जो है सनलाइट सबसे बढ़िया होती है हमारे लिए। तो इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको ज़रूर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सनलाइट के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बाय बाय।